और हमें इस बात की खुशी है कि जिन सपनों के साथ दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, जितना वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से, उस वादे से भी ज्यादा हर बजट में एक नया अध्याय जो है ये सरकार जोड़ रही है। शिक्षा स्वास्थ्य का खासतौर पे जिक्र हुआ और इस दौरान वहाँ पे मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन का भी जिक्र हुआ, आपको क्या लगता है कि जो एक चौथाई तरह से कहा जाता था कि शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, हालांकि आज का जो एलोकेशन 21% के लगभग है, तो क्या वो जमीन पे उतरेगा? नहीं, निश्चित रूप से उतरेगा। देखिए, बाधाएं बहुत हैं, खासतौर से अगर आप देख रहे होंगे तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली के अधिकारों को छीनने का कानून दिल्ली के ऊपर थोपा है, उसके बाद से हर काम को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन उनका काम है काम में बाधा डालना, और हमारी सरकार का काम है काम को आगे बढ़ाना। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए न सिर्फ हमने बजट में प्रावधान किया है, उसको जमीनी हकीकत में उतारने के लिए हम एड़ी चोटी लगाएंगे।